हेलो गाइस, वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बी फार्म सेकेंड सेम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट के आगे का पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इससे पिछली वीडियो में स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ सम एल्काइलाइड्स के तक कर लिया था। तो इस वीडियो में हम एल्कोहल से स्टार्ट करेंगे। तो अल्कोहल बेसिकली होते क्या हैं? अल्कोहल आर द डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। मतलब अगर हम नॉर्मल एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी जगह OH ग्रुप लगा दें तो वो आपका अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? ROH। उसके बाद बात करें क्लासिफिकेशन की, तो अल्कोहल को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, नंबर ऑफ OH ग्रुप पे, कि अल्कोहल में कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप है, और दूसरा उसकी हाइब्रिडाइजेशन से। OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ, अगर हम OH ग्रुप की बात करें तो इसके हिसाब से हम इनको तीन फर्दर कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा कि एक OH ग्रुप कंपाउंड के पास एक OH ग्रुप होगा, डायहाइड्रिक में दो OH ग्रुप होगा, पॉलीहाइड्रिक में दो से ज़्यादा हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल हो गया आपका इथेनॉल, डायहाइड्रिक का होगा ग्लाइकॉल और पॉलीहाइड्रिक का होगा ग्लिसरॉल। इसके बाद हम दूसरी क्लासिफिकेशन की बात करें तो दूसरी क्लासिफिकेशन आपकी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, कि अगर आपका OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है वो कार्बन एटम किस तरह से हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर वो, तो इसको भी हम दो कैटेगरी में फर्दर हाइब्रिडाइज कर, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला sp3, सेकंड sp2। तो अगर हम sp3 की बात करें तो इसको हम फर्दर तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल। नॉर्मल अल्कोहल में क्या होगा, आपका जो OH ग्रुप है वो नॉर्मल चेन के साथ अटैच होगा, ना उसमें डबल बॉन्ड होगा, ना कोई एरोमेटिक या रिंग स्ट्रक्चर होगा। तो जो नॉर्मल अल्कोहल होते हैं उनको तीन हम कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने दिखा रखा है आपको। तो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, सबसे पहले ये वाले जो एग्जांपल दिखा रखे हैं, तो सब समझते हैं इनको जो फर्दर क्लासिफाई करते हैं वो किस तरह से करते हैं। नॉर्मल अल्कोहल को अगर जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपका कार्बन हो गया, ये चार बॉन्ड हो गए इसके। अगर कार्बन के साथ एक ही कार्बन एटम है तो ये होगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, और बाकी क्या है, एच हो सकते हैं, और एक साइड आपका OH आ गया। तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। वहीं अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो उसमें क्या होता है, इस कार्बन एटम के साथ जिस कार्बन एटम पे OH ग्रुप है, जैसे यहाँ पे OH ग्रुप है, तो इस कार्बन एटम के साथ फर्दर दो कार्बन एटम और बॉन्डेड होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। उसके बाद अगर हम टर्शरी की बात करें तो टर्शरी में क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप अटैच है, जैसे ये होगा आपका कार्बन, कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, तो वो फर्दर तीन कार्बन एटम के साथ अटैच बॉन्ड होगा, तो ये होगा आपका टर्शियरी। इसके बाद हम अगर हम एलाइल अल्कोहल की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिखा रखा है, ये आपका एलाइल अल्कोहल का एग्जांपल हो गया, कि आपका जिस कंपाउंड में OH ग्रुप है उसके, उस कंपाउंड में कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एक्सेप्ट अगर जिस कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप है उस कार्बन एटम पे नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करें अगर हम थर्ड कैटेगरी की, तो वो है आपकी एरोमेटिक या बेंजाइल अल्कोहल। एरोमेटिक और बेंजाइल अल्कोहल क्या है, जैसे हमने एक नॉर्मल बेंजीन रिंग बनाई, उसके बाद इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट OH नहीं जुड़ा होगा, यहाँ पे एक आपका कार्बन होगा, कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप अटैच होगा, तो ये हो गया आपका एरोमेटिक या बेंजाइल अल्कोहल। ये तो हो गया आपकी तीनों कैटेगरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। इसके बाद बात करते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच होगा, बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ। और दूसरा अगर हम विनाइल अल्कोहल की बात करें तो उसमें भी सेम वही चीज़ है कि OH ऐसे कार्बन एटम के साथ अटैच होगा
जो दूसरी साइड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्ड बना रहा हो दूसरे कार्बन के साथ। ये तो हो गई आपकी क्लासिफिकेशन। इसके बाद बात करते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला जो 6-7 मेथड है उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन को हम क्या करते हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कराते हैं। एल्कीन का एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रेशन कराएंगे, एडिशन ऑफ वाटर कराएंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपका प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है। सेकेंड रिएक्शन जो है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से सबसे पहले आपको एक इसकी कंडीशन समझनी पड़ेगी। ये हमेशा परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड ले रखा है। तो जब परऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा तो कौन सा रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स प्रेजेंट फॉलो होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन जो होता है वो किसके साथ रिएक्शन के साथ के लिए होता है, डायबोरिन के। तो डायबोरिन क्या है यहाँ पे, B2H6। तो मैंने B2H6 को दूसरी तरीके से रीअरेंज करके लिख दिया है, ये हो गया आपका डायबोरिन। जब हम डायबोरिन को किसी एल्कीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब तक H प्रेजेंट है तब तक हम एल्कीन का रिएक्शन कराते रहेंगे और H को सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। उसके बाद फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें हमारा रिस्पेक्टिव अल्कोहल मिल जाएगा। ये हो गया दूसरा मेथड आपका बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। थर्ड आता है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो रिडक्शन के लिए हम मैंने पहले बता रखा सबसे बेस्ट जो एजेंट होता है वो होता है आपका LiAlH4। तो अगर हमें किसी का भी रिडक्शन कराना हो तो हम LiAlH4 यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम LDHD का रिडक्शन कराएंगे तो आपका प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी उसके सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए आपको तो आप कीटोन का रिडक्शन करा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखे हैं, जब मैंने एल्डिहाइड का रिएक्शन कराया H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकेल तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। वहीं जब मैंने कीटोन के साथ कराया रिडक्शन उसका LiAlH4, आप कुछ और भी ले सकते हैं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। ये हो गया आपके एग्जाम्पल रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का। थर्ड है आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमें पता है, RMGX को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एग्जांपल। तो जब हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका बीच में क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आपको एल्कोहल, रिस्पेक्टिव एल्कोहल और साइड प्रोडक्ट में MgOHX मिल जाएगा। ये हो गया आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो फिफ्थ मेथड है वो है एल्काइल हैलाइड से। तो एल्काइल हैलाइड से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एल्काइल हैलाइड से जब हम स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पे SN2 रिएक्शन दिखाते हुए वो क्या बना देगा आपको, प्राइमरी अल्कोहल बना देगा। इसी तरह अगर हम ईस्टर की बात करें तो ईस्टर जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो भी आपको प्राइमरी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये जो दो मेथड हैं, एल्काइल हैलाइड और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, तो इन दो मेथड में हमेशा हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है लास्ट मेथड है वो है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में भी कुछ नहीं है, हम नॉर्मल ईथर लेंगे और उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा, इसीलिए ये आपका नॉर्मल ख़त्म हो गया आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद बात करें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो जनरली हमें पता है जो लोअर अल्कोहल हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, स्प्रिट लाइक स्मेल होती है, वॉलेटाइल होते हैं, वो इवोपरेट कर जाते हैं। उसके बाद अगर हम हायर अल्कोहल्स की बात करें तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। अगर हम सबसे छोटे मेंबर की बात करें जो आपका इसका मिथेनॉल है, वो पॉइजनस होता है नेचर में। और अगर हम उसको स्मॉल अमाउंट भी अगर इथेनॉल जो हम जनरली यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर हम उसमें मिला दें 1%, इवन इथेनॉल का 1% हम मिथेनॉल मिला दें तो वो इतना पॉइजनस कर देता है कि वो हमारे नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग रह जाता है, हमारे पीने के लायक वो नहीं रह जाता। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की बात। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इनका जो अल्कोहल होते हैं वो हेलो एल्कीन और ईथर के मुकाबले उनका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर इनके इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इसके बाद फिर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर बहुत अच्छे, जो लोअर अल्कोहल हैं वो बहुत अच्छे वाटर सॉल्युबल होते हैं और
इसके बाद फिर ये इसीलिए फार्मास्यूटिकल, आपको तो पता ही होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत इनका यूज़ है। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली वाटर में नहीं सॉल्यूबल होते, जैसे कि आपका पैरासीटामोल हो गया, तो वो डायरेक्टली आपका वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, तो हम पहले उसको इथेनॉल में सॉल्यूबलाइज करते हैं, उसके बाद इथेनॉल को हम उठा के पानी में मिला लेते हैं, तो इस तरह से हम उसको पानी में मिला लेते हैं। इनका बहुत अच्छा खासा यूज़ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसके बाद अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज ए न्यूक्लियोफाइल दोनों एक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अगर ये आपके ये आपका नॉर्मल अल्कोहल है, उसमें क्या हो, अगर ये जो यहाँ से बॉन्ड टूटता है इस जगह से, तो आर के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो क्या करेगा, एक्स एक्स जो है उसके ऊपर अटैक करेगा, उसके बाद आपका ये बना देगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अटैक करेगा, तो इसको ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ अटैक करेगा, तो इसलिए ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। वहीं अगर जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, आर ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसी कारण ये किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक करेगा। ये तो हो गई आपकी इनकी इसकी। अब एक एक करके इन दोनों के हम रिएक्शन देख लेते हैं। जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा तब क्या होगा, और एक्ट करेगा तब क्या होगा, और जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तब क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा। जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तब क्या होगा। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा, इसमें जब आपका एच बॉन्ड टूट जाएगा, एच बॉन्ड टूटेगा क्यों, कैसे क्या होगा वो देखते हैं। तो जब पोलैरिटी होती है वो पोलैरिटी बहुत कम हो जाती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इसके साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एल्काइल ग्रुप हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो वो क्या करेगा, ओ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो जब ओ की डेंसिटी बढ़ गई तो क्या होगा, वो एच को रिलीज़ नहीं करेगा। एच पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ओ पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वो आसानी से एच को रिलीज़ नहीं करेगा। और हमें पता है एसिड जो हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एच प्लस या फिर प्रोटॉन डोनेटिंग होते हैं, तो हाइड्रोजन डोनेटिंग होते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं, तो इसी कारण वो आसानी से हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। इसीलिए ये अल्कोहल जो है वीक एसिड होते हैं, इवन ये वाटर से भी ज़्यादा वीक एसिड होते हैं। तो वाटर से ज़्यादा वीक एसिड होते हैं, तो उसके लिए मैंने एग्जांपल दिखा रखा है यहाँ पे रिएक्शन। जब हमने आर ओ माइनस को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो उसने क्या करा, एच टू ओ से एच ले लिया, वाटर से एच ले लिया, तो यहाँ पे वाटर ने डोनेट कर दिया एच। तो इसी कारण वाटर जो है ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू आर ओ माइनस। इसके बाद अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, सेकेंडरी उसके बाद टर्शियरी सबसे कम होता है। ऐसा होता क्यों है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन ओ पे इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, इसी कारण पोलैरिटी डिक्रीज होगी और एच आयन जल्दी से रिलीज नहीं होगा। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, इसकी क्लीवेज बिटवीन सी ओ एच, सी और ओ के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाए तो क्या होगा, तो वो कैसे टूटेगा, जब आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे केस उल्टा हो जाएगा, जब आपका नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो सी पे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अब ओ के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स है, सी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों रिपेल करेंगे और बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लास्ट वन। इसके बाद बात करते हैं, अब हमें पता है प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई सैंपल, गिवन सैंपल है और उसकी बात करें कि हमें पहचानना है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए ल्यूकास टेस्ट करते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट में क्या देखना है हमें, कि सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट में हम जो हमारे पास सैंपल है, गिवन सैंपल है, उसका हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ल्यूकास रिएजेंट के साथ। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HCl प्लस ZnCl2 anhydrous स्टेट में लेना है हमें, ये आपका ल्यूकास रिएजेंट हो गया। अगर आपका जो सैंपल है वो तुरंत तुरंत टर्बिडिटी दिखा देता है, टर्बिडिटी मतलब मिल्कीनेस दिखा देता है, तो वो
टर्शरी एल्कोहल है, अगर 5 मिनट बाद दिखाता है तो वो सेकेंडरी एल्कोहल है, और अगर टर्बिडिटी आती ही नहीं है तो वो प्राइमरी एल्कोहल है। यह आपका एल्कोहल को पहचानने का तरीका हो गया। इसके बाद हमें यूजेज और स्ट्रक्चर देखने हैं, तो कुछ कंपाउंड के, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इथाइल एल्कोहल को। तो इथाइल एल्कोहल का जो आईपिक नेम है वो है आपका इथेनॉल, और फार्मूला हो गया C2H5OH। सबसे पहले इसका यूज़ क्या हो गया, गैसोलीन की तरह यूज़ किया जाता है। गैसोलीन क्या है, रॉ मटेरियल फॉर पेट्रोलियम। इसके बाद दूसरा यूज़ देखें तो इसको जो है नॉर्मली हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बहुत यूज़ करते हैं, तो ये हो गया आपका मेन इंग्रेडिएंट किसका, वाइन बियर इन सब चीज़ का। उसके बाद टॉपिकल डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं हम किसी जम्स और इन जम्स को मारने के लिए जनरली। उसके बाद प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ करते हैं हम कई जगह फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। इसके बाद दूसरा जो आपका कंपाउंड है वो है आपका मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल, जो कि जनरली पॉइजनस होता है नेचर में। तो इसका सबसे पहले जो यूज़ है वो क्या है, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं इसको। दूसरा एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। इसके बाद अगर हमें किसी इथेनॉल को डीनेचर्ड करना है तो इसका यूज़ करा जा सकता है। उसके बाद कई दवाई बनाने के लिए काम आता है, जैसे स्ट्रेप्टोमायोसिन बनाने के लिए। उसके बाद कई सारे केमिकल बनाने के लिए काम आता है। तो ये आपके मिथाइल अल्कोहल के यूजेज हो गए। नेक्स्ट है आपका क्लोरोब्यूटेनॉल। क्लोरोब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या है आपका, C4H7Cl3O। यह आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसका यूज़ देखें तो सबसे पहले क्या है, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ हो सकता है, सेडेटिव की तरह यूज़ हो सकता है। सेडेटिव क्या है, बच्चों को सुलाने उलाने के लिए, जो नॉर्मल आपको बच्चों को क्या, किसी को भी सुलाने उलाने के लिए जो नॉर्मल दवाई दी जाती है उसकी तरह यूज़ करा जा सकता है। उसके बाद फिर क्या है दूसरा, एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है इसका, जो इन्वर्टिब्रेट्स और फिशेज को हम एनेस्थीसिया देते हैं वो हम क्लोरोब्यूटेनॉल के थ्रू ही देते हैं। उसके बाद इसका एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल इफेक्ट भी है, तो हम उसको एज ए एंटी फंगल एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका C2-esterylalcohol। C2-esterylalcohol का जनरल फार्मूला आपका ये हो गया। उसके बाद इसका यूजेस देखते हैं, तो यूजेस क्या होगा, सबसे पहले तो इमल्सिफाइंग स्टेबलाइजर होता है। इमल्सिफाइंग इमल्सन क्या होता है ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा आपके फर्स्ट सेम में। दूसरा है फॉर्म बूस्टिंग एजेंट, मतलब फॉर्म बनाने के लिए काफ़ी अच्छा खासा काम आता है। विस्कोसिटी एजेंट है ये, कहीं पे भी किसी भी चीज़ की विस्कोसिटी बढ़ानी होती है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल का यूज़ सबसे पहले फार्मूला क्या है, C6H5CH3OH। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहला जो यूज़ है वो उसका एज अ एंटी पैरासाइट मेडिकेशन यूज़ है। किसी भी ऐसी दवाई में जब आपको पैरासाइट से कोई बीमारी हो तो उसके लिए जो दवाई यूज़ करी जाती है उसमें आपका बेंजाइल अल्कोहल यूज़ करा जाता है। जो इंजेक्टेबल ड्रग्स होते हैं उनके प्रिजर्वेटिव के लिए भी इसका यूज़ करा जाता है। उसके बाद 5% ऑफ बेंजाइल अल्कोहल जो है वो हेड लाइस के लिए भी यूज़ करा जाता है। जैसे जो बच्चे होते हैं तो बच्चों या फिर बड़े में भी जैसे जूं पड़ जाती है, हम हिंदी में उसे जूं बोलते हैं, तो जो जूं पड़ जाती है बालों में तो उनको ट्रीट करने के लिए हम बेंजाइल अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो आजकल ई सिगरेट्स चल रही हैं उसमें हम इसका अच्छा खासा यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आपका शैम्पूज और सोप बनाने के लिए भी इसका अच्छा खासा यूज़ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का जो हम नॉर्मल भाषा में ग्लिसरीन बोलते हैं इसे, ये वही है। तो हमें पता है ये ह्यूमेक्टेंट की तरह यूज़ करा जा सकता है, सॉल्वेंट अच्छा खासा सॉल्वेंट होता है, स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये सब तो इसके नॉर्मल जो हम डेली यूज में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका थिकनिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं हम इसको, ल्यूब्रिकेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके तो बहुत सारे यूज़ है, कॉस्मेटिक में हम यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत सारा यूज़ है। तो ये आपका हो गया ग्लिसरीन का यूज़ या ग्लिसरॉल का यूज़। लास्ट जो कंपाउंड है वो है आपका प्रोपिलीन ग्लाइकोल या फिर प्रोपेन डाइओल, इसका जो आईपिक नेम है। इसका जो फॉर्मूला है वो आपका ये है। सबसे पहले इसका जो यूज़ है वो क्या होता है, आपका इंजेक्टेबल जो मेडिकेशन होते हैं उनको सॉल्युबल होने में हेल्प करता है। मतलब ये अपने अंदर जो इंजेक्टेबल मेडिकेशन होते हैं उनको बहुत आसानी से घोल लेता है।
इसके बाद जो दूसरा यूज़ है वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह यूज़ करा जा सकता है। उसके बाद पॉलिस्टर कंपाउंड बनाने के लिए इसका बहुत अच्छा खासा यूज़ है। इसके बाद जो लास्ट यूज़ है वो क्या है आपका, स्टेबलाइजर फॉर विटामिन एंड वाटर मिसेबल को सॉल्वेंट। तो ये हो गया आपके ओवरऑल थर्ड यूनिट ख़त्म। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी फोर्थ यूनिट स्टार्ट करें। तब तक स्टे ट्यून, स्टे होम और सेफ रहिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।